नमस्कार। जन सरोकार मंच के इस पटल पे आज मैं अशोक सक्सेना आपके बीच अपनी कुछ कविताओं के साथ उपस्थित हूँ और एक मजबूरी बन गई है उपस्थित होने की कि मैं भी ये चाहता हूँ कि जो कुछ मैं लिख रहा हूँ, जो मेरा अनुभूत है अभिव्यक्ति में, उसके संबंध में मेरे साथी विद्वानजन कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, मैं चाहता हूं कि वो अपने विचारों, अपने कमेंट से भी मुझे नवाजें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी हो गया है ये कि हम कविता को कविता की दृष्टि से देखें, सिर्फ लिखने भर के लिए या संख्या बल बढ़ाने के लिए कविता नहीं लिखी जानी चाहिए, क्योंकि कविता कोई मनोरंजन की वस्तु तो है नहीं। कविता के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कितना दृष्टिबोध रखते हैं, कितना हमारा व्यापक विजन है, ताकि हम आज की आदमी की स्थितियों के साथ जुड़ के उसको देख पाते हैं या महसूस कर पाते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी पहली कविता आपके साथ। देखिए, जिन हालात में हम जी रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई अतिरेक बात करने जा रहा। कविता शुरू होती है कि संभावित आशंकाओं का दस्तावेज बन रही जिंदगी आभासित जीवन का दर्शन बन रही जिंदगी ढके चेहरों में किसी अपने चेहरे की तलाश बेमानी हो रही जिंदगी अब न किसी ख्वाब की ताबीर बन रही जिंदगी अब न किसी ख्वाब की ताबीर बन रही जिंदगी कहाँ खोई कहाँ ढूंढूँ तुझे तू ही बता है जिंदगी कहाँ खोई कहाँ ढूंढूँ तुझे तू ही बता जिंदगी। एक छोटी सी रचना थी आपके लिए। इसके साथ ही एक रचना है जो कहीं ना कहीं हम पे मानसिक दबाव जो हालातों का है वो हमको बहुत परेशान करता है। वो दबाव, मानसिक दबाव इस बात का है कि जो भी परिस्थितियों से आज का आम आदमी गुजर रहा है उसका कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इतना गहरा है कि हम मनोवैज्ञानिक दबाव में भी हैं और जिसका असर हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। देखना तो खैर है, दिन भर ही देखना है, लेकिन महसूस करते हैं उन क्षणों में भी जो हमारे एकांत के क्षण होते हैं। तो कविता शुरू होती है, देखिए कि पिछले कई वर्षों से हर रात मुझे कुछ अजीब स्वप्न आते रहे हैं। जैसे आसमान में मंडराते गिद्धों का झुंड, जैसे आसमान। मेरी दूसरी कविता जो मुझे भयभीत भी करती है और बेचैन भी करती है, आपके साथ साझा कर रहा हूं कि पिछले कुछ वर्षों से हर रात मुझे अजीब स्वप्न आते रहे हैं जैसे आसमान में मंडराते गिद्धों का झुंड। नदियां मगरमच्छों से
भरी हुई हैं और आकाश में उड़ते पाखियों के दल और आकाश में उड़ते पाखियों के दल आसक्त होकर जमीन पर गिर रहे हैं और आकाश में उड़ते पाखियों के दल आसक्त होकर जमीन पर गिर रहे हैं। सर्पों के जोड़े दबे खजानों पर कुंडली मार बैठे हैं। सर्पों के जोड़े दबे खजानों पर कुंडली मार बैठे हैं। कभी कभी देखता हूँ कीचड़ और गंदगी में लोट मार रहे संतुष्ट सुअरों के बीच खड़ा हूँ। कभी कभी देखता हूँ कीचड़ और गंदगी में लोट मार रहे संतुष्ट सुअरों के बीच खड़ा हूँ तो कभी देखता हूँ भेड़िए के झुंड बस्ती के मकानों की चौखटों को खरोच रहे हैं। तो कभी देखता हूँ भेड़ियों के झुंड बस्ती के मकानों की चौखटों को खरोंच रहे हैं। ऐसे सभी सपनों को लेकर आशंकित रहा करता हूँ मैं। ऐसे सभी सपनों को लेकर आशंकित रहा करता हूँ। मेरी आशंकाएं बढ़ती रही हैं। कुछ जानकारों ने कहा स्वप्न समय संकेत भी देते हैं। और कभी कभी अपना रंग रूप अपनी प्रजाति बदलकर पूरे सत्य के साथ प्रकट भी हो जाते हैं। अब मैं आशंकित ही नहीं भयभीत भी रहता हूँ। उन भयाक्रांत कर देने वाले सपनों को सच होता देख अब मैं भयभीत भी रहता हूँ उन भयाक्रांत सपनों को सच होता देख इसी क्रम में शायद आपको अच्छी लग रही हूँ। कृपया अपनी विचार अपने से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि लिखना तो ठीक है अपनी जगह है लेकिन इस लेखन के साथ जो वैचारिक यात्रा है वो कितनी सार्थक हो रही है हमारे जीवन में हमारे अपनों के लिए अपने मतलब हर आदमी के लिए जिसके लिए हम सोचते हैं या हमारे एहसास को हम जगाए रखते हैं। ऐसी एक कविता है आम आदमी का अपनी मनोवृत्ति क्या रह जाती है जीवन में। देखिए कि हजार पैबंदों से ढकी जिंदगी फिर भी चाहती है एक उजली सुबह कि हजार पैबंदों से ढकी जिंदगी फिर भी चाहती है एक उजली सुबह देख सके आंगन में अंकुरित होते सूरजमुखी के पौधे। हजार पैबंदों से ढकी जिंदगी फिर भी चाहती है एक उजली सुबह देख सके आंगन में अंकुरित होते सूरजमुखी के पौधे। एक खुशनुमा शाम सुन सके प्रफुल्लता से झूमते अपने बच्चों का कोरस। एक खुशनुमा शाम सुन सके प्रफुल्लता से झूमते बच्चों का कोरस देख सके अपनी पत्नी को आंखों से मुस्कुराते हुए वह भी गुजर सके नियॉन लाइटों से रोशनाई सड़कों पे अपनी आंखों में बिना कोई चुभन लिए कि वह भी गुजर सके नून लाइटों से नहाई सड़कों से अपनी आंखों में बिना कोई चुभन लिए। हजार पैबंदों से ढकी जिंदगी बस यही तो चाहती है और इसके अलावा उसकी क्या मांग है
जो पूरी नहीं हो पाती। इसी के साथ मेरी एक कविता और है आपके लिए। ये ऐसी कविता जब मैं काफी बीमार था और मेरी मनस्थिति बिल्कुल अलग तरह से अपने आप में ही परेशान थी, उस समय रची गई रचना है कि जब जब मैं मन से उदास हुआ हूँ, कि जब जब मैं मन से उदास हुआ हूँ, तब तब मेरी खिड़की से अंदर आ जाती है काली चित्तेदार सफेद पीली तितलियाँ। जब जब मैं मन से उदास हुआ हूँ, तब तब मेरी खिड़की से अंदर आ जाती हैं काली चित्तेदार सफेद पीली तितलियाँ। मेरे कलमदान पर बैठती मंडराती हैं, मेरे कलमदान पर बैठती मंडराती हैं, मेरे चारों ओर चक्कर लगाती हैं, मेरे चारों ओर चक्कर लगाती हैं, और फिर सुबह की गुनगुनी धूप में खिड़की से बाहर, और फिर सुबह की गुनगुनी धूप में खिड़की से बाहर। ऐसा उन दिनों भी होता है जब मैं रात में ठीक से सो नहीं पाता हूँ। ऐसा उन दिनों भी होता है जब मैं रात में ठीक से सो नहीं पाता हूँ। सारी रात स्वप्न देखते हैं, सारी रात स्वप्न देखते हैं हरी घास के मैदान जहाँ हिरन मुक्त भाव से विचर रहे होते हैं। सारी रात स्वप्न देखते हैं जहाँ हरी घास पर मुक्त भाव से हिरन विचर रहे होते हैं। संगमरमरी इमारतें हैं या फिर जंगली हिंसक जानवर पिंजरों में कैद हैं, या फिर जंगली हिंसक जानवर पिंजरों में कैद हैं। ऐसा अक्सर उन दिनों भी होता है जब मेरी बहुप्रतीक्षित इच्छाएं पूर्ण होने का आभास देने लगती हैं। ऐसा उन दिनों भी होता है जब मेरी बहुप्रतीक्षित इच्छाएं पूर्ण होने का आभास देने लगती हैं और मैं पुनः रिक्त होना शुरू हो जाता हूँ मन फिर तलाशने लगता है किसी बेचैन संदर्भ को ये एक मेरी रचना थी आपके सामने, थोड़ी सी अलग टेल की है लेकिन शायद आपको अच्छी लगेगी। सन्नाटा तो है ही हमारे चारों ओर, चाहे जितना शोर हो जाए लेकिन फिर भी सन्नाटा अपने शाश्वत चरित्र के साथ हमें घेरे हुए है। उसी सन्नाटे के बीच मैं अपनी कविता कहता हूँ कि पसरे सन्नाटे के बीच मौन मुखर होता है, आप सड़कों पर नहीं उतर सकते, ये आप भी जानते हैं और हम भी। पसरे सन्नाटे के बीच मौन मुखर होता है, आप सड़कों पर नहीं उतर सकते, ये आप भी जानते हैं और हम भी। सुरक्षा इसी में है, आप दर्शक दीर्घा में बैठ जाइए, कोई भी भगत सिंह बनने का प्रयास ना करे, फिर दृश्य उभरता है प्रभात फेरी का, संध्या काल का स्वांग है श्री राम के जय घोष का, धर्म की जड़ता का, फिर दृश्य बदलता है, मृत्यु के सत्य का, कि राम नाम सत्य है, शब्द गूंज रहे हैं। उक्त दोनों दृश्यों में एक ही समानता है, सड़कों पर बिखरे हैं फूलों की पत्तियां, सूत्रधार का स्वर उभरता है, आप जी रहे हैं धर्म की जड़ता और मृत्यु के बीच,
आप जी रहे हैं, धर्म की जड़ता और मृत्यु के बीच देखिए, देखिए महसूस कीजिए, देखिए महसूस कीजिए किलबिला रहा है आपके जीवन का दर्शन, देखिए महसूस कीजिए किलबिला रहा है आपके जीवन का दर्शन। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, हमें पता है तुम स्वयं ही मर जाओगे। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, हमें पता है तुम स्वयं ही मर जाओगे, अपनी अपनी पिपासाओं के साथ हम जानते हैं। तुम स्वयं ही मर जाओगे, अपनी अपनी पिपासाओं के साथ हम जानते हैं, हमें खतरा भी है। हम जानते हैं हमें खतरा भी है तुम्हारे संगठित हो जाने से, हम जानते हैं हमें खतरा भी है तुम्हारे संगठित हो जाने से, पर धर्म और अर्थ की व्यवस्थाओं के चलते, पर धर्म और अर्थ की व्यवस्थाओं के चलते तुम भूल चुके हो संगठित होकर जीना, पर धर्म और अर्थ की व्यवस्थाओं के बीच चलते चलते तुम भूल चुके हो संगठित होकर जीना। तुम समझ लो तुम विकल्पहीन हो चुके हो, तुम समझ लो तुम विकल्पहीन हो चुके हो, तुम्हारी नियति बस दर्शक बने रहने में ही शेष है, तुम्हारी नियति बस दर्शक बने रहने में ही शेष है। ये आज के हालात हैं जैसा आम आदमी अपने जीवन को महसूस कर रहा है। आम आदमी से मेरा मतलब ये है कि जो भी वैचारिकता के साथ जुड़ा पक्ष है, जिसके अंदर हजारों हजारों संदर्भित सवाल जिंदा होके खड़े हो जाते हैं सामने, वो ऐसा जरूर महसूस करेगा, ऐसा मेरा सोच है। इसी तेवर की एक और कविता आपके सामने है कि बहुत संभव है, बहुत संभव है कि तुम बदल दिए जाओ बिना रीढ़ के जीव में, बहुत संभव है तुम बदल दिए जाओ बिना रीढ़ के जीव में, और तुम्हारी इंद्रियां खो दें अपनी संचेतनाएं। कि बहुत संभव है तुम बदल दिए जाओ बिना रीढ़ के किसी जीव में, और तुम्हारी इंद्रियां खो दें अपनी संचेतनाएं, तुम्हारे मस्तिष्क से पहुंच दी जाए तुम्हारी स्मृतियां, तुम्हारे मस्तिष्क से पहुंच दी जाएं तुम्हारी स्मृतियां, और किसी काले रसायन में डुबो दी जाएं प्रेम और संवेदनाएं, और किसी काले रसायन में डुबो दी जाएं प्रेम और संवेदनाएं। ये हादसा किसी भी क्षण घट सकता है, ये हादसा किसी भी क्षण घट सकता है, इससे पहले कि ऐसा हो जाए, इससे पहले कि ऐसा हो जाए तुम महसूस करो कि क्या तुम्हारे पैर जमीन को छू रहे हैं, तुम महसूस करो कि क्या तुम्हारे पैर जमीन को छू रहे हैं, और क्या आसमान अभी भी तुम्हारे कांधों पर टिका है, और क्या आसमान अभी भी तुम्हारे कांधों पर टिका है, तो फिर तुम अभी भी अपने होने के ऋण से मुक्त नहीं हुए हो, तो फिर तुम अभी भी अपने होने के ऋण से मुक्त नहीं हुए हो, शुरू कर सकते हो बांटना, शुरू कर सकते हो बांटना सांत्वनाएं और संवेदनाएं, शुरू कर सकते हो बांटना सांत्वनाएं और संवेदनाएं, पर माफ करना वो शाब्दिक ना हो, पर माफ करना शाब्दिक ना हो। इसी क्रम में मेरी कविता आपके लिए आपके बीच है कि ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, ढूंढोगे तो मिल जाएंगे ऐसे लोग जिनकी आंखों में रोज पिघलता है सूरज, ढूंढोगे तो मिल जाएंगे ऐसे लोग जिनकी आंखों में रोज पिघलता है सूरज, उनके आसमान की आकाशगंगा भी अप्रतिम होती है, उनके आसमान की आकाशगंगा भी अप्रतिम होती है, और चांदनी निर्वासित है उनके जीवन से,
और चांदनी निर्वासित है उनके जीवन से, उनके जीवन में नहीं है फुर्सत अपने होने के अर्थ ढूंढने की, उनके जीवन में नहीं है फुर्सत अपने होने के अर्थ ढूंढने की, फिर भी उनकी आंखों में रोज पिघलता है सूरज, फिर भी उनकी आंखों में रोज पिघलता है एक सूरज, पिघलता सूरज एक सम्मानित जीवन के लिए अब जरूरी हो गया है, एक सम्मानित जीवन के लिए अब जरूरी हो गया है कि उनकी पीठ पर उभरी इबारत को ठीक से पढ़ा और समझ लिया जाए, एक सम्मानित जीवन के लिए अब जरूरी हो गया है कि उनकी पीठ पर उभरी इबारत को अब ठीक से पढ़ा और समझ लिया जाए, ये बहुत जरूरी हो गया है। जब तक हम इस इबारत को नहीं पढ़ेंगे, हम किसी की व्यथा, किसी के दुख, किसी की पीड़ा से दो चार नहीं हो सकते, हम समझ ही नहीं सकते, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये मेरा अपना सोच है, थोड़ी सी मुझे लगता है कि ये जरूरी है आज के जमाने में बात करना, क्योंकि एक दौर ऐसा चल पड़ा है कि जहाँ विरोध के लिए विरोध हो रहा है, विरोध के लिए, जैसा कि अभियान चल रहे हैं कि लिखने के लिए लिखा जा रहा है, वो कितना सार्थक होगा इसकी कोई चिंता नहीं है, ये बड़ा दुखद विषय है, चिंता का विषय है। तो मैंने विरोध के लिए कुछ लाइनें लिखी हैं, जैसा हम चारों तरफ विरोध देख रहे हैं, तार्किक विरोध के लिए, कि तार्किक विरोध के लिए यह जरूरी है कि हम उन लोगों की तलाश कर लें जिन्होंने जीवन में प्यार किया हो, तार्किक विरोध के लिए यह जरूरी है कि हम उन लोगों की तलाश कर लें जिन्होंने जीवन में प्यार किया हो, प्यार के लिए जीना, प्यार के लिए मरना सीखा हो, प्यार के लिए जीना, प्यार के लिए मरना सीखा हो, वे जानते हैं लक्षित जीवन के अर्थ, वे ही जानते हैं लक्षित जीवन के अर्थ, प्यार और घृणा में दूरी नहीं होती, प्यार और घृणा में दूरी नहीं होती, दोनों ही स्थितियों में अपेक्षित वेग समान रूप से गति करता है, प्यार और घृणा में दूरी नहीं होती, दोनों ही स्थितियों में अपेक्षित वेग समान रूप से गति करता है, तार्किक विरोध के लिए यह जरूरी है, तार्किक विरोध के लिए यह जरूरी है कि जो उजालों का सम्मान करते हों पर रात के अंधेरों को धुतकारते ना हों, तार्किक विरोध के लिए जरूरी है कि जो उजालों का सम्मान करते हों पर रात के अंधेरों को धुतकारते ना हों, सीमा पर खड़े सिपाही की तरह जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हो कि वे जिनके लिए सीमा पर खड़े हैं वे उनके लिए सोचते भी हैं या नहीं, सीमा पर खड़े सिपाही की तरह हों, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे जिनके लिए सीमा पर खड़े हैं वे उनके लिए सोचते भी हैं या नहीं, तार्किक विरोध के लिए ऐसे लोगों की तलाश बहुत जरूरी है, तार्किक विरोध के लिए ऐसे लोगों की तलाश बहुत जरूरी है जो आक्रामक हो सकते हों, जो आक्रामक हो सकते हों पर उन्हें हिंसा से घृणा हो, जो आक्रामक हो सकते हों लेकिन उन्हें हिंसा से घृणा हो, जो शब्द और कलम की ताकत से परिचित हों, जो शब्द और कलम की ताकत से परिचित हों, तार्किक विरोध के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत होगी, तार्किक लोगों के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत होगी। आज के इस कार्यक्रम में समय के साथ चलते हुए मैं अपनी अंतिम कविता आपके सामने रख रहा हूँ आज की, देखिए, पर मुझे तो पहले भी आपसे मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि मुझे कमेंट्स चाहिए ताकि मैं और चीज़ों को ठीक से देखने का, समझने का प्रयास कर आगे बढ़ सकूँ और अच्छा लिखने का प्रयास कर सकूँ। तुम्हें जिस समय चक्र से अपने कुचले जाने का भय है, कि तुम्हें जिस समय चक्र से अपने कुचले जाने का भय है, उस भय से ही तो लड़ते रहना है, उस भय से ही तो लड़ते रहना है अपने कुचले जाने तक। तुम्हें
जिस समय चक्र से अपने कुचले जाने का भय है, उस भय से ही तो लड़ते रहना है अपने कुचले जाने तक। तुम अपनी आवाज को शब्द और गति देते रहो, तुम अपनी आवाज को शब्द और गति देते रहो। मृत्यु शरीर की उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, मृत्यु शरीर की उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी की शब्द और गति की, कि मृत्यु शरीर की उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी की शब्द और गति की। निश्चित ही तुम्हारे रक्त की अनुगूंज पलाश सा मुखर ताप प्रदान करेगी, निश्चित ही तुम्हारे रक्त की अनुगूंज पलाश सा मुखर ताप प्रदान करेगी और तुम्हारे शब्द एक सार्थक भाषा को जन्म देंगे, और तुम्हारे शब्द एक सार्थक भाषा को जन्म देंगे। देखो, समर्थ भाषा किसी संस्कृति को मरने नहीं देती, देखो समर्थ भाषा किसी संस्कृति को मरने नहीं देती, तुम्हें भी नहीं। तुम अपनी आवाज को शब्द और गति देते रहो, देते रहो, देते रहो। नमस्कार, आज के लिए इतना ही है साथियों। आशा है कम से कम विचार तो अपने आप मुझ तक प्रेषित करेंगे ही, और फिर जल्दी मिलेंगे।